हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स का 2023 का पेपर है। आई रिपीट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स का 2023 का पेपर है ये। इसके सोल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में एम.कॉम के स्टूडेंट्स लेते हैं, जिसका एग्ज़ाम एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर में होता है। पहला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पॉपुलेशन। देखिए, जो ऑप्शन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वॉर टाइम्स इन्फ्लेशन। तो इसके वॉर के टाइम तो इंक्रीज होता है, आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब होर्डिंग करने लगते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन टैक्सेशन इज ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, फिस्कल मेजर। यानी राजकोषीय नीति जो होती है उसमें टैक्सों को घटाया या बढ़ाया जाता है, तो ये फिस्कल मेजर में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैश इन हैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक फाइनेंस स्टैंड्स ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इज सेड बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिसिट फाइनेंसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a source of tax revenue of Indian government? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रॉफिट फ्रॉम PSU। ये भी उनका रेवेन्यू का सोर्स ही है, एक प्रकार से है, लेकिन ये पूछ रहा है नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी एबव, यानी वेलफेयर स्कीम्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टू कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग इज। तो ये सही बात है, इसको हिंदी में पढ़ने में ज़्यादा क्लियर इसका मतलब हो रहा है, सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता का आशय अपव्यय को रोकना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर दी फॉलोइंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इनकम। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ता है, लेकिन किस तरह से बढ़ेगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 2 सही है, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसके रेशियो में आपका एक्सपेंडिचर घटता रहता है। लाइक एग्जांपल, अगर आप 1000 कमा रहे हैं तो 900 खर्चा कर देते हैं अपने खर्चों पे, लेकिन यही अगर 1,00,000 कमाएंगे तो 90,000 खर्चा नहीं करेंगे, वो रेशियो कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडेफिनेट पीरियड डेप्ट इज नोन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दी एबव। इनडेफिनेट पीरियड डेप्ट क्या होता है, तो देखिए, जो कि डेप्ट का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ एनुअल, हाफ ईयरली, जैसा भी हो, इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट इज। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी एबव, यानी वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, Which of the following is a source of public debt? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, both 1 and 2, यानी मार्केट डेप्ट और ट्रेजरी बिल, दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइडेंस ऑफ डेप्ट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डेप्ट रिडेम्पशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, फाल्स। अवॉइडेंस ऑफ डेप्ट मतलब ऋण लेंगे ही नहीं, ऋण लेने से बचेंगे, तो उसका पेमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकिंग फंड्स टू क्लासिफिकेशंस आर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि सिंकिंग फंड के दो जो भाग होते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर हम देने में असमर्थ हैं। जो हमें ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहा है क्या टू क्लासिफिकेशन है, इसका क्या पूछना चाह रहा है। और दो अगर क्लासिफिकेशन पूछा है तो दो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ सब चले ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इन इंडिया फॉरेन डेप्ट इज इंटाइटल्ड टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सेंटर, यानी केंद्र, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होता है विदेशों से ऋण लेने का, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं ले सकती है ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ नो डेफिनेट पीरियड ऑफ पेइंग प्रिंसिपल। ये तो आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, नॉन रिडीमेबल डेप्ट यानी अशोध ऋण। अशोध ऋण तो इसको नहीं बोलेंगे, अशोधनीय ऋण बोलेंगे, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट इज देन बजटरी डेफिसिट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मोर देन, यानी फिस्कल डेफिसिट इज मोर देन बजटरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट प्राइजेज आर डिटरमाइंड व्हेन। तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, डी इक्वल टू एस। डी मीन्स डिमांड, एस इक्वल टू एस मीन्स सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डिफिसिट इज जीरो व्हेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्रक्चरलाइज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 इकोनॉमिक बजट। ये जो बजट पेश करते हैं फरवरी मंथ में, उसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डिफिसिट कंजम्पशन इक्वल टू रेवेन्यू डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट प्लस डिविडेंड एंड प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, तो इसको हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप लोग बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। जैसे रेवेन्यू डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड तो होता है, इतना तो हम कंफर्म कर लिए हैं, लेकिन इन प्रॉफिट और ये इंटरेस्ट को माइनस करते हैं नहीं करते हैं, तो इसको हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम था, जल्दी जल्दी बनाना था, इसका अर्थ हम नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कॉन्सेंट इज़ नेसेसरी फॉर पासिंग ऑफ यूनियन बजट। यानी यूनियन बजट को पास करने के लिए किसकी स्वीकृति होती है ज़रूरी, यानी फाइनल उसको करते हैं जो अस्वीकृति के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसको पास हुआ माना जाता है। हाँ, पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। अगर ये पेश करता है, अगर क्वेश्चन होता है कि फाइनेंस ये यूनियन बजट कौन पेश करता है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, बोगेट आप लोग जानते ही हैं, उससे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स बजट। हुज डज लिखा है, आई थिंक गलत है, हिंदी में लिखा है कहाँ, यानी वेयर, वेयर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, आप सब जानते हैं, पार्लियामेंट यानी संसद में बजट पेश करते हैं। इससे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, तो वही पेश किए थी इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 2004। 14 नवंबर 2014 ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है 2004। ये 14 नवंबर 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2012 द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन वाज। अब देखिए ये 2012 का पूछ रहा है, ये पुराना डाटा हो गया, तो नियर अबाउट 22% था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में अगर पूछेगा कि 2024 का डाटा पूछेगा, यानी इन 2024 द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन एज ये पूछेगा। तो इस समय अब डाटा से मैनिपुलेशन किया गया है, क्या किया गया आई डोंट नो, लेकिन इसमें 2.4% है इसका फिगर, यानी इतनी ज़्यादा गरीबी कम हो गई है इस बीजेपी गवर्नमेंट में। आई डोंट नो हाउ, लेकिन 2.4 आप लोग आंसर लगा कर आइएगा 2024 यानी 2024 का पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर दी फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ पॉवर्टी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 यानी सेन इंडेक्स। ये सेन इंडेक्स अमर्त्य सेन के नाम पे बना हुआ है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये इंडेक्स दिया था, और हेड काउंट रेशियो ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अंत्योदय अन्न योजना स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द एबव। ये अंत्योदय अन्न योजना 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2000 ऑप्शन इसमें है नहीं, तो नन ऑफ द एबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पुअर कैटेगरी। तो आप सब जानते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर देख के आप सब समझ सकते हैं। लैंडलेस लेबर, डॉक्टर, बिजनेसमैन ये तो होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन फॉर लोअर लेवल ऑफ फीमेल एजुकेशन एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर मेल फीमेल इक्वलिटी, मेल फीमेल इनइक्वलिटी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यानी कि मेल फीमेल इनइक्वलिटी जो लोगों की सोच है उसके कारण भी होता है, और मेल डोमिनेशन के कारण यानी पुरुष प्रधानता के कारण भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच स्टेट इज पुअरेस्ट इन ऑफ ऑल। अब देखिए ये पुअरेस्ट है, सबसे गरीब राज्य की बात कर रहा है, लेकिन किस ईयर में ये नहीं होता, क्योंकि ये जैसे काउंटिंग वगैरह होती है, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कुछ सालों बाद चेंज होता रहता है। तो दिए गए ऑप्शन में से आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिहार। ये होना चाहिए बिहार। वैसे उत्तर प्रदेश भी है, जैसे ये किस ईयर का कुछ पूछ नहीं रहा है, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से तो बिहार है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक डिविडेंड इज फाउंड इन विच कैटेगरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 15 to 59 ईयर्स, यानी कि जो वर्किंग ईयर होते हैं, वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर दी फॉलोइंग इज ए गुड इंडिकेटर फॉर हेल्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 नन ऑफ द एबव, यानी बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेशियो, डेथ रेट, ये सब आई थिंक ये सिम्टम नहीं है इसके, नन ऑफ द एबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी रेट एज। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 3 टोटल चाइल्ड बर्थ पर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ डेमोग्राफी एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1 जॉन ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज इन विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 3 थर्ड स्टेज में है, जिसमें बर्थ रेट भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। ये इस तरह से कुछ क्राइटेरिया हैं इसके स्टेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ इनइक्वलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव, यानी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड सिटीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहा है, यानी कि अर्थशास्त्र का, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा स्कार्सिटी, यानी कि चीज़ों की कमी है, उसको सबसे अच्छे तरीके से यूज कैसे किया जाए उसकी बात करता है, यानी कि स्कैरसिटी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइजेस इन इंडिविजुअल मार्केट एज। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 मेकिंग चॉइसेस ड्यू टू स्कैरसिटी। इसी की बात हो रही थी अभी क्वेश्चन नंबर 39 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेकिंग चॉइसेस ड्यू टू स्कैरसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इकोनॉमी एज ए होल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है बोथ 1 और 2 यानी मार्केट एंड इकोनॉमी, ट्रेड एंड फाइनेंस। आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम एज, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ऑल फैक्टर्स इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2022-23, तो इसका नियर अबाउट 7% है, तो 7.7 के साथ जा सकते हैं, लेकिन 2022-23 की बात कर रहा है, तो आप लोगों में अब 23-24 का पूछेगा, तो 23-24 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है 8.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है, सबकी लिस्ट नहीं दिया है, चारों ऑप्शन में से कह रहा है कौन सा होता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है SDR at IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस ग्रैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल काउंटिंग रिजल्ट्स इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी एबव, यानी डबल काउंटिंग यानी अगर डबल काउंटिंग करेंगे, एक ही लोग का 2 बार काउंटिंग कर लिया, तो उससे डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें डिक्रीज ही दिया है नेशनल प्रोडक्शन नेशनल इनकम, तो आई थिंक इंक्रीज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर दिया ही नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन नेशनल इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन वेलफेयर, यस ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 व्हेन GNP इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ पुअर विल डैश व्हेन नेशनल इनकम इज स्टेबल, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कांस्टेंट, जब नेशनल इनकम स्टेबल है तो पुअर को भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी स्टेबल होगा, जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो पुअर को आई थिंक बढ़ेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं होता क्योंकि पूंजीपतियों को ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटी एज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 प्रोडक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी, हालांकि आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल ऑफ द एबव के साथ भी जा सकते हैं अगर अनप्रोडक्टिव सेकेंड नंबर पे ना होता तो, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 के साथ इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी शामिल होगा उसके मीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नो नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम इज ए मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, यस ऑप्शन नंबर 1 सही है, होता है लिविंग स्टैंडर्ड का मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, तो अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कहा है, हालांकि ऑप्शन से समझ जाएंगे कि ये वर्ड की बात कर रहा है, इस दुनिया में पहली बार किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन अगर इंडिया की बात करेगा तो ये कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने 1976 में दिया था, और जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कुजनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन अकाउंट इज नोन एज इकोनॉमिक अकाउंट। स्टेटमेंट इज, यानी ये सेंटेंस किसने कहा था पूछ रहा है, ये सेंटेंस सही है या नहीं, किसने। ऑप्शन देखकर पता चलता है कि सही नहीं है या सही है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट शोज। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 टोटल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज एक्सप्लेनेशन इज। तो इसको हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, कैम्ब्रिज एक्सप्लेनेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा सा पता करिएगा क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी फिनोमेना इज ए स्टेटमेंट बाई। ओके, यानी इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी फिनोमेना किसने कहा है, ये इसमें पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मिल्टन फ्राइडमैन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मिल्टन फ्राइडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर लीड्स टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना खर्च करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड कर्व। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव, यानी प्राइस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सभी प्रभावित करते हैं, उसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इकोनॉमिक्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 एम्पिरिकली टेस्टेड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑलवेज। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए नन ऑफ दी एबव, यानी सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो नेवर ट्रू और ट्रू ही दिया है, तो ये वर्ड थोड़ा सा नेवर ट्रू है, फाल्स अगर होता तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू स्टेटमेंट आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये आई थिंक द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन की बात, बुक की बात कर रहा है। तो ये एडम स्मिथ ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स एजम्पशंस आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बुक जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। देखिए इसमें जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी आई थिंक होना चाहिए था, तो ये J.M. किन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। लेकिन इसमें जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम दिया है, आई थिंक ये गलत है थोड़ा सा। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक्स ऑफ किन्स इज ऑफन टर्म्ड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है The equilibrium condition of saving and investment is when। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 S = I, यानी S मतलब सेविंग है, I से इन्वेस्टमेंट है, जब दोनों इक्वल होंगे तब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 लेजी फेयर जो स्टाइल होता है उसकी, लेजी फेयर इकोनॉमी की, उसको मान्यता देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्सियन इकोनॉमी इन किन्सियन इकोनॉमिक्स रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर इज क्लोजली रिलेटेड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 सही है ऑल ऑफ द एबव, वेजेज एंड प्राइज ऑफ डाउनवर्ड फ्लेक्सिबल, यस, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q इक्वल टू फंक्शन एन इज ए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ द एबव। यानी कि ये इक्वेशन प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, तो इक्विलिब्रियम में इक्वल ही होते हैं, तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही है डी एल इक्वल टू एस एल, यानी डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या फिर आपको कोई सजेशन है, आप लोग का वेलकम है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।